हेलो एवरीवन, अनीशा फूड फ्लेवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पम्पकिन करी, इसे हम कद्दू भी कहते हैं हिंदी में। मैंने यहाँ धोकर कद्दू और आलू काट लिया है और मसालों में यूज़ करूँगी नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च, धनिया पाउडर और गोटा ज़ीरा, और यूज़ करूँगी कसूरी मेथी। साथ में ही यूज़ करूँगी दो हरी मिर्च, कुछ लहसुन, एक पिंच अदरक का टुकड़ा, एक तेज पत्ता। खड़े मसालों में यूज़ करूँगी लौंग, इलायची, दालचीनी, कुछ धनिया पत्ता और सरसों तेल यूज़ करूँगी इसे रेसिपी को बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले लहसुन अदरक को छील लें। अदरक को कद्दूकस भी कर लेते हैं। ये देखिए सारे मसाले तैयार हो चुके हैं, कढ़ाई गर्म हो रहा है। इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून करीब सरसों का तेल डालूंगी। ये देखिए तेल गरम हो चुका है, 1 टीस्पून जीरा डाला है मैंने, तेज पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और सारे खड़े मसाले डाल दूंगी। इसे अच्छे से फ्राई करूंगी दोस्तों। ये देखिए लहसुन जब थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए, ये देखिए, ये ऑप्शनल है दोस्तों, रांधुनी मसाला बोलते हैं, ये बंगाल में पाया जाता है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर नहीं भी। सारे सब्जी जो कटे हुए थे ये मैंने अब डाल दिए, इसमें से अच्छे से मिलाएंगे और इस तरीके से फ्राई करेंगे। अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून करीब लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिला के फ्राई करूँगी। चीनी करीब 1 टीस्पून। इन सभी को अच्छे से दोस्तों इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए जब हल्का फ्राई हो जाए इसमें पानी डाल देंगे। सारे सब्जी को बिल्कुल अच्छे से ढककर पकाएंगे बॉईल होने तक। ये देखिए सब्जी बन रही है हमारी, इसे अच्छे से मिलाना है बीच बीच में और अच्छे से पकाएंगे दोस्तों। ये जब तक बॉईल नहीं होगा इसे हमें बीच बीच में पकाना है। अब डाल देते हैं थोड़ा सा कसूरी मेथी। ये देखिए इसे थोड़ा मिलाते रहना सब कुछ डालकर, और इसी तरीके से अब हम पकाएंगे। धनिया पत्ता इसे भी डालकर इसे एक बार मिला लें। ये देखिए थोड़ी देर बाद देखेंगे सारी कुछ बॉईल हो चुकी है, आलू कद्दू सभी कुछ बॉईल हो जाने के बाद। ग्रेवी आपके ऊपर है दोस्तों, इसमें आप किस तरीके का खाना चाहते हैं। ये देखिए हमारी बनकर तैयार पम्पकिन करी, इसे आप ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही यम्मी रेसिपी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।